So, assalamualaikum to all of you. How to fill the Prime Minister Youth Program Laptop Scheme. तो अब हम ये देखते हैं कि लैपटॉप स्कीम का जो फॉर्म है वो कैसे सबमिट करना है। तो लैपटॉप स्कीम के फॉर्म पे हम जाएंगे और जो इसका URL है laptop.pmyp.government.pk, हम इसको सर्च करेंगे और इसके बाद इसका वेरिफिकेशन registration.php लिख के क्लिक करेंगे जैसे इस पर, तो ये हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर अब हमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर योर CNIC एंटर करना है, 13 डिजिट का होना चाहिए और उस 13 डिजिट के CNIC नंबर पे हमारे पास 5th नंबर के बाद और लास्ट नंबर से पहले जो डैश देते हैं विदाउट डैश हमें इसको फिल करना है। जैसे कि अभी मेरे पास एक CNIC नंबर है 45, ये मैं फिल कर देता हूँ, ये मैं नंबर ऐड कर दिया इसके अंदर CNIC, और इसके बाद ये एंटर कैप्चा जो गूगल आई एम नॉट अ रोबोट, इसको इस पर क्लिक करना है। जब ये वेरीफाई का निशान आ जाए मतलब मार्क आ जाए राइट का, उसके बाद हमें इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चाहूँ पहले ही कि जो इस फॉर्म को फिल करने के बच्चे आए हैं जिनकी GPA 2.5 से कम है, कि जिनकी GPA 2.5 से कम है वो अगर फॉर्म फिल करेंगे भी आगे जाकर तो उनका फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को काइंडली जरा नोट कीजिएगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में इसमें आते हैं, जरा हम ये देखते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन है कि फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद ऑल इंफॉर्मेशन मार्क्ड मैंडेटरी। अब जिस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर स्टेरिक साइन होगा वो लाजमी हमने फिल करना है, वो हम छोड़ नहीं सकते। नंबर टू पे है कि एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड CNIC वैलिड CNIC ईमेल एंड मोबाइल नंबर एज इंफॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अब जो आपका CNIC है, ईमेल है और मोबाइल नंबर है, आप लोगों ने जब फॉर्म फिल करना है तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो भी एग्जैक्ट आपका नंबर है, ईमेल है या CNIC है वो आपने सबमिट करना है। वो जो है ना वो बाद में एडिट नहीं हो सकता, ठीक है, वो जो है वो बाद में आप अगर चाहें एडिट करना है फॉर्म सबमिशन के बाद तो वो एडिट नहीं होगा। तो आपने इसको बहुत केयरफुली एक एक स्टेप को आपने जो है ना वो फॉलो करना है, समझ के देख के करना है, ठीक है। नंबर थ्री पॉइंट है एप्लीकेंट मस्ट यूज ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ विच यू हैव एक्सेस। अब वो फोन नंबर और ईमेल आपने देना है जिसका आपके पास एक्सेस है, ऐसा ना हो आप वो फोन नंबर और ईमेल आप देते हैं जो बंद पड़ा हो या जिसका आपसे जो आपके पास नोटिफिकेशन जिसके नहीं आते, तो वो फिर आप कैसे नोटिफाई करेंगे, कोई नोटिफिकेशन अगर उन्होंने सेंड करना होगा अच्छी सी वालों ने तो वो कैसे सेंड करेंगे आपको, तो वो आप वैलिड दीजिएगा उनको। अच्छा, नंबर टू पे ये पॉइंट जरा नोट कीजिएगा कि सेल फोन नंबर जो है ना वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे यूफोन के नंबर JS पे या JS का या जोन पे नंबर कन्वर्ट हुए होते हैं, काइंडली ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के हम जब वो कोड फिल करेंगे ना तो वो कोड लाजमी वो उसी ही नेटवर्क का कोड होना चाहिए, जिस तरह 031 वाले जो कोड हैं वो जोन के होते हैं, तो हम वही जो जोन का नेटवर्क होगा ना हमने उस पर जाके सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो नेटवर्क कन्वर्टेड होते हैं ना सिम में तो वो वैलिड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये नंबर फाइव पे रिकमेंडेड ब्राउजर कह रहा है कि फायरफॉक्स है, क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज है। नंबर सिक्स पे कह रहा है एप्लीकेशन शुड क्लिक ऑन टूल टिप, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस बटन पे जो टूल टिप बनी हुई है क्वेश्चन मार्क का सिंबल, इसको क्लिक करके तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्लीज रीड केयरफुली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को अगर आप रीड करना चाहें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आप देख सकते हैं। डिस अप्रूवल एंड अप्रूवल इज सोलेली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड फोकल पर्सन डिपार्टमेंट फोकल पर्सन। डिस अप्रूवल इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन एकेडमिक रिकॉर्ड और स्टूडेंट मिसकंडक्ट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आपका डिस अप्रूवल होता है या अप्रूवल होता है तो सारा आपका आपके रिकॉर्ड पे होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड पे कि आपका क्या पोजिशन, क्या थी GPA आपकी रह चुकी है, उसके ऊपर आपका सारा का सारा ये बेस करता है। नंबर नाइन पे फॉर फर्दर क्यूरी यू मे विजिट FAQ सेशन, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, चलें अब ये देखें कि हमने जो फॉर्म फिल किया है इसमें तीन सेक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन।
अब स्टूडेंट NIC वेवफॉर्म नंबर ये आ गया और ये एडिट नहीं हो रहा। ठीक है, जो आपने लॉगिन फॉर्म पे इंटर किया था लॉगिन करते वक्त, ये वही CNIC नंबर है, अब ये एडिट नहीं होगा आगे। ठीक है, तो ये देखें स्टेरिक साइन, ये जो स्टेरिक साइन है इसका मतलब कि ये चीज़ें लाजमी फिल करनी है। जिस पे स्टेरिक साइन नहीं है वो हमें फिल अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अपना फुल नेम इंटर करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट अपने फादर का नेम इंटर करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक साइन बना हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी समझ में नहीं आती तो आप इस वाले जो क्वेश्चन मार्क है इस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आ रही है, सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड ऑन योर CNIC, जो भी डेट ऑफ बर्थ CNIC में मेंशन है आपने वो एंटर करनी है यहाँ से। ठीक है, तो अब CNIC की जो डेट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी फॉर एग्जाम्पल मंथ और ईयर। ठीक है, उसके बाद जेंडर मेल, परमानेंट एड्रेस आपने डालना है अपना, जिस पे आपको पोस्टल एड्रेस जो आपका होगा, फॉर एग्जाम्पल एंटर द परमानेंट एड्रेस मेंशन्ड ऑन योर CNIC, जो आपके CNIC का परमानेंट एड्रेस है आपने यहाँ पर वो एंटर करना है। एग्जाम्पल हाउस नंबर 765 कॉमा स्ट्रीट 35 कॉमा F6 _3। मैं इसको भी फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पर आप यहाँ पर वो वाला देंगे जो आपके CNIC के ऊपर लिखा होगा, परमानेंट एड्रेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आया डोमिसाइल प्रोविंस, जिस डोमिसाइल का आपका ये जो डोमिसाइल जिस प्रोविंस का आपका होगा यहाँ पे वो देना है। यहाँ पर इसकी हम चेक कर लेते हैं, एंटर द नेम ऑफ योर प्रोविंस मेंशन ऑन, अब जो डोमिसाइल पे आपके प्रोविंस लिखा होगा आपने यहाँ पर वो डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल पंजाब लिखा हुआ है, तो अब अगर मैं सिंध में रहता हूँ तो मेरा सिंध का यहाँ पर आ जाएगा, सिंध का। ठीक है, डोमिसाइल की सिटी कौन सी है, किस सिटी का डोमिसाइल है आपका, तो मेरा डोमिसाइल जो है वो है नवाबशाह का, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ नवाबशाह। ठीक है, नवाबशाह। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या मैं काम करता हूँ या नहीं करता, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नॉट एम्प्लॉय। अगर जो काम करने वाले होंगे वो लिखेंगे एम्प्लॉयड, जो कुछ भी नहीं करते सिर्फ स्टडी करते हैं तो वो लिखेंगे नॉट एम्प्लॉयड। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ स्कीम। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगर हम काम करते हैं मतलब अर्निंग करते हैं तो हमें लैपटॉप नहीं मिलेगा, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है, लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड बच्चों को मिलेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट और नॉट एम्प्लॉयमेंट का या अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके मेरिट के ऊपर या आपके लैपटॉप स्कीम के ऊपर। ठीक है, तो इसको जो भी आप फेथफुली इसको बिल्कुल अपने राइट, जो भी आपका डिसीजन है या जो भी आपका मार्क है उसको राइट टिक करना है। तो आर यू एनरोल्ड, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, आर यू एनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट, आप किसी मतलब डिसेबल स्टूडेंट के तौर पर एनरोल हुए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम कहेंगे नो। जो बच्चे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से, कोई बीमारी से या कोई इशू है उनके साथ, उस वजह से वो लोग यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए, तो वो यहाँ पर लिखेंगे यस। और जो किसी भी मतलब बिल्कुल मतलब 100% फिट हैं वो यहाँ पर लिखेंगे डिसेबल वाली जगह पे नो। हैव यू रिसीव लैपटॉप बिफोर, क्या आपने पहले कभी लैपटॉप, जो पहले प्रोग्राम चले हैं लैपटॉप स्कीम के, तो वो आपको कभी पहले आपने रिसीव किया लैपटॉप, तो आप कहेंगे यहाँ पर के ऑप्शन देखकर नो। और अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को पहले लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप अवार्ड हुआ है, तो वो यहाँ पर इनमें से ये कोई जो भी जिस भी प्रोग्राम के तहत उसको लैपटॉप मिला है, तो वो यहाँ पर ये दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, HEC इंडिजीनियस स्कॉलरशिप, नावे और PM लैपटॉप स्कीम, और ये अदर अगर कोई और मिला तो वो बस यहाँ पर नो करके, जिसको नहीं मिला वो नो करके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए।
नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है कि एनरोलमेंट नंबर एंटर करो। एनरोलमेंट नंबर की जगह पर हम अपने यूनिवर्सिटी का जो हमें रोल नंबर असाइन किया गया है, हमारी क्लास रोल नंबर हमें, हम वो एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 00-BSIT-00, ठीक है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका बैच है तो 20 या 21 या 22, तो 22, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और ये आपका हो गया BSIT, इसके यहाँ पे BSCS भी हो सकता है, BS English भी हो सकता है, कुछ भी जो आपका रोल नंबर लिखा हो वो। और यहाँ पर आपका जो रोल नंबर होगा ये आपका डिपार्टमेंट होगा BSIT वगैरह, ये आपका बैच होगा और ये आपका होगा रोल नंबर, ठीक है। तो ये आपका रोल नंबर आ जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1 या कुछ भी, 1211 कुछ भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये डमी डाला है, आप कुछ अपने जो आपका होगा वो डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, रोल नंबर। नेक्स्ट स्टेप है सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस, कॉलेज। अब आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस है या किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है? तो हमारी यूनिवर्सिटी है, सॉरी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं, सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी की, हमारी सिटी है फॉर एग्जाम्पल नवाबशाह सिटी है हमारा, हमारी यूनिवर्सिटी नवाबशाह सिटी के अंदर है। और हमारे पास यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे नवाबशाह में 3 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी है कायदे वहाँ। कैंपस कॉलेज, हमारा कैंपस है यहाँ, मेन कैंपस है, ये देखते हैं इसमें हमारे पास मेन कैंपस है। जो लड़काना वाले हैं वो लड़काना इस पे टिक करेंगे, जो मेन कैंपस वाले हैं मेन कैंपस टिक करेंगे। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल या IT, आपका रोल नंबर अगर IT आपने एंटर किया यहाँ पर, जैसे बताए आप IT के होंगे तो यहाँ पर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिग्री लेवल, आपका डिग्री का लेवल कौन सा है, डिग्री लेवल है हमारे पास बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स PhD, तो हमारे हम बैचलर्स टिक करते हैं बैचलर्स। डिग्री प्रोग्राम करंटली एनरोल्ड इन, आप किस प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए हैं डिग्री के, BS ऑनर्स में, ठीक है, यहाँ पे BS ऑनर्स आके। प्रोग्राम ड्यूरेशन खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी 4 ईयर। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम, आपने 01 जो है, 01 जो हमारे पास है ये हमारे पास डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मंथ हम अपना ऐड कर देंगे जो हमारे पास एडमिशन लेटर पे लिखी होगी कि किस डेट को हम डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड हुए थे या किस डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट पे एडमिशन हुआ था हमारा। फॉर एग्जाम्पल 1 जून ईयर था हमारा, फॉर एग्जाम्पल अब ईयर हमारे पास पर्टिकुलर यही है 19, 20, 21, 22 और 23। इसके अलावा स्पेसिफाई हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर या हमारी बैचलर्स के अंदर हम ये ईयर के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो बच्चे इस ईयर में जिनने एडमिशन लिया है, ये सिर्फ स्कीम उन लोगों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल 20 एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सिस्टम क्या है, आपका एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, तो हमारे पास है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका, सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट ऑन June 30, 2023। अब June 30 तक जो आपने पास कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के पेपर हुए हैं अभी एक सेमेस्टर के, तो वो पेपर जो जिस पेपर दिया है जिस सेमेस्टर का, उसका पेपर वाला सेमेस्टर आपने अपलोड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल चौथे के पास होने का रिजल्ट आ चुका है चौथे का, तो चौथा रिजल्ट आप सबमिट करेंगे। पांचवा क्योंकि अभी तक पास नहीं किया आपने, पता नहीं पास किया है नहीं किया, सिर्फ पेपर दिए हैं, तो आप वो सबमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपने फॉर एग्जाम्पल 4 सेमेस्टर के पेपर दिए हैं और वो रिजल्ट आ चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है वो पास होगा। तो जून 30 तक जौन सा सेमेस्टर भी, जो भी सेमेस्टर आपने पास किया है, आप उसका यहाँ पे लिख देंगे। ईयर ऑफ स्टडी वो ये इसने डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है कि सिलेक्ट यूर एरिया ईयर ऑफ स्टडी एज ऑन June 30, 2023, तो इसने बता दिया कि आपने सेकेंड ईयर अभी तक पास किया है। अच्छा, परसेंटेज सिक्योर्ड इन HSC, SSC और इक्विवेलेंट,
और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एचएससी इंटरमीडिएट 12 ईयर ऑफ इंक्लूजन और इक्विवेलेंट। तो जिन बच्चों ने ए लेवल्स किया है वो अपना भी परसेंटेज ऐड कर सकते हैं इसमें, इक्विवेलेंट मतलब 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं परसेंटेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी की आई है 80.19, तो ये 80.19 परसेंटेज उसने ऐड कर दी यहाँ पर। ग्रेडिंग सिस्टम देख लेते हैं, सिलेक्ट द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड बाय योर सिस्टम। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में परसेंटेज सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है। जिसके पास जो सिस्टम चल रहा होगा वो उस पर क्लिक करेगा। हमारे पास सीजीपीए है तो हम सीजीपीए क्लिक करते हैं। सीजीपीए जीपीए इन लास्ट एग्जाम, तो अब जो भी लास्ट एग्जाम जिसमें फोर्थ एग्जाम आपने पास फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम पास किया उसका रिजल्ट आ गया, तो उसमें जो जीपीए आपकी आई है वो यहाँ पे लिख देंगे। और अगर ये नीचे एक जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ यू आर अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट सिलेक्ट परसेंटेज सिस्टम फ्रॉम द ग्रेडिंग सिस्टम ड्रॉप डाउन एंड एंटर योर लास्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट परसेंटेज बिलो। ये कह रहा है अगर आप यूनिवर्सिटी में पहला सेमेस्टर है आपका, तो आप यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे अपनी जो भी आपकी इंटर की परसेंटेज होगी, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्योंकि सीजीपीए सिलेक्ट किया हुआ है और हमारा लास्ट जो हमारा सेमेस्टर था उसमें हमारे पास आई है 3.77 वो ऐड कर दी। अब ये कह रहा है कि परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम, अब यहाँ पर परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम ऑटो फिल हो गई है, हमें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक स्टेटमेंट ये भी पढ़ लेते हैं। एंटर परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम डिक्लेयर बिफोर June 30, 2023 रिजल्ट ऑफ फेल्ड सप्लीमेंट सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर। अब जो भी बच्चे लास्ट एग्जाम जो जून 30 तक पास कर लिया है 2023 के अंदर, तो 2023 तक जो भी जून 30, 2023 तक जो भी रिजल्ट पास कर दिया है आपने, उसमें रिजल्ट ऑफ फेल या सप्लीमेंट सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर। आपका पेपर कोई फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया वो ये था कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे बता रहे थे कि हम अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कायदे अब हमने सिलेक्ट किया या नो ऑप्शन सिलेक्ट किया तो हमारा ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, मतलब वो एरर आ रहा है उसमें या वो डिले मार्क कर रहा है, वो खुल नहीं रहा। तो उसके लिए आपके लिए एक टिप है कि आप इसको कोई और मतलब सिलेक्ट करके ऑप्शन, फिर उसको दोबारा से अगर नीचे उसके देखेंगे जो सब उसकी डोमेन है या सब उसके कंटेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, बट और फिर दोबारा अपने जो आपका ऑप्शन होगा उसमें जाएंगे तो वो आपका ऑप्शन खुल जाएगा। मतलब ये कि सिंपली अगर आपका ऑप्शन नहीं खुल रहा तो आप कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल नवाफ्शा नहीं सिलेक्ट हो रहा तो नवाफ्शा सिलेक्ट नहीं हो रहा कोई और ऑप्शन ओपन करके और फिर उसका दूसरा ऑप्शन ओपन करके देखें, वो उसके डिटेल आ जाएंगे नीचे और फिर जो आपका कंसर्न है जो आपका अपना नवाफ्शा है या कोई भी आपका अपना यूनिवर्सिटी का जो सिटी है वो आप सिलेक्ट कर लें वहां से तो आपका वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो लास्ट स्टेप है हमारा। इसमें हमने लास्ट स्टेप पे कॉन्टेक्ट वेरिफिकेशन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है तो नंबर एड इंटर कर देता हूँ यहाँ पर। नंबर वो इंटर करना है जिसका जिसकी कन्वर्जन ना हुई हो किसी और नेटवर्क पे, ठीक है। अगर नेटवर्क कन्वर्जन हुई होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो आपके लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसको नंबर को इंटर करने वाला आपने इंटर करना है और इंटर करते सारी आपने ये देखना है आपको एक ऑप्शन अगर आएगा सेंड कोड, आपने ये नंबर सेंड कोड करना और ऊपर जो मैसेज है वो अपेयर हुआ है कि वेरिफिकेशन कोड सेंड सक्सेसफुली। तो अब वेरिफिकेशन कोड मोबाइल पे आपका जो सिम लगी है उस पर आ जाएगा आपका। तो मेरे पास जो सिम पे मैसेज आया है वो आया है 98 जो भी आया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9815384, ठीक है। ये वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी, ये आप एक दफा इसको एंटर करके यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल पर आया है फिर आप इसको वेरीफाई कर देंगे, ये नंबर आपका वैलिड फोन नंबर वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आपने एंटर करना है ईमेल, ईमेल में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ईमेल एंटर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद आपने एक काम लाजमी करना है जो बच्चे नहीं करते,
इंटर करने के बाद यहाँ पर ईमेल आपने जब आगे करना है तो बच्चे छोड़ के इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी भी हमारे पास आएगा। तो जिस तरह आपने सेंड कोड पे क्लिक किया था उस तरह आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज होती है कि ऊपर मैसेज आया है कि ईमेल सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड स्पैम बॉक्स। तो ये दोनों चीजें आपने चेक करनी है, आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पर वेट एन ईमेल विल बी सेंड 3 to 4 minutes, प्लीज चेक योर इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर। तो अब हम अपने ईमेल पे चलते हैं, ये देखें हमारे पास ईमेल आ चुकी है ऊपर, ये इनबॉक्स में आई है ईमेल। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ईमेल इनबॉक्स में नहीं आती तो यहाँ पर मोर में जाकर स्पैम को भी चेक करेगा, तो स्पैम में भी आपके पास आई हो सकती है जो भी आपकी ईमेल है अगर इनबॉक्स में नहीं आई तो। तो हमारे पास तो इनबॉक्स में आ गई, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा इनबॉक्स में नंबर आया हमारा, ये हम वन टाइम पासवर्ड जो है वो कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको वेरीफाई कर देते हैं और ये हमारा वेरीफाई हो गया, वैलिड ईमेल, ठीक है। ईमेल भी हमारी वेरिफिकेशन हो गई। लास्ट में हमारे पास एंटर कैप्चा है, हमने इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया और डिस्क्लेमर पढ़ लिया हमने कि जो भी हमारा डेटा है हमने वन टाइम अगर फिल कर दिया तो बार बार चेंज नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो भी हैं वो हमारी एग्जैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और फिर हम इसको यहाँ पर लास्ट में सबमिट कर देंगे, ठीक है, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमने सबमिट कर दिया फॉर्म, तो यहाँ अच्छा जी, तो हमारे पास अब ये मैसेज जनरेट हुआ है सबमिट करने के बाद कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूर सेल्फ फॉर प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम। तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब यहाँ पर एक नोट है कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन डज नॉट इन केस गारंटी द अवार्ड ऑफ लैपटॉप, यूर सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। इसका मतलब यह है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन जो हमारा फॉर्म सबमिट किया उसकी बेस पे नहीं होगी, ये हमारी सिलेक्शन जो होगी वो प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट होगी। हमारी जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पे होगी और जो फोकल पर्सन है यूनिवर्सिटी के या जिनकी जो भी पेमेंट्स इन्वॉल्व में जो भी इसकी फैकल्टी होगी ये सब उसकी वेरिफिकेशन के बाद लैपटॉप जो हमें वो अवार्ड किया जाएगा। सिर्फ हमारी रजिस्ट्रेशन जो सबमिट हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लैपटॉप स्कीम अब हमारी जो है वो हमें अवार्ड कर दी जाएगी।